सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सानिध्य में बीते दिन सेक्टर 30A में स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में मानव एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हर साल की भांति संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा यहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से 296 यूनिट रक्तदान किया गया, जिनमें महिलाएं भी शामिल रही। निरंकारी मिशन द्वारा यह दिन युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकारी जीवन एवं उनकी लोक कल्याण की भावना को समर्पित है। नमस्कार, इस वक्त है मानव एकता दिवस रक्तदान शिविर में जी, और इस वक्त है हमारे पास संत निरंकारी मंडल चंडीगढ़ के सर्वे सर्वा श्री चड्डा जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम ओपी निरंकारी है और दास की सेवा यहाँ एज ए जोनल इंचार्ज चंडीगढ़ जोन, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मोहाली डिस्ट्रिक्ट, पंचकूला डिस्ट्रिक्ट और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो इनकी सेवा बख्शी है सच्चे पातशाह ने। तो आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कितना ही उत्साह है संतों महात्माओं में, जितने भी संतनकारी मिशन के सेवादार हैं सभी में ब्लड देने के लिए बहुत उत्साह है। लगभग 500-600 लोग यहाँ ब्लड देने के लिए आगे आए थे, अग्रसर हुए थे, जिनमें से लगभग 300 लोग का खून ले ब्लड ले पाए, और टीम का भी बड़ा शुक्रिया है, PGI से टीम आई है ब्लड लेने के लिए, और सभी महात्माओं में बहुत शौक है। और ये जो ब्लड डोनेशन की हमारी श्रृंखला है ये 1986 से शुरू हुई थी, जिसमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह ने महाराज ने ये शुरू की थी, और उनका मेन मकसद ये था जो ये इतना कीमती खून इंसानों की नाड़ियों में बहता है ये वेस्ट ना हो, ये कहीं नालियों में ना जाए, इसको मानव मात्र के लिए काम आए। किसी की बीमारी किसी को होती है, किसी में खून की कमी होती है, किसी को कोई और ऐसी जरूरत होती है जिसमें खून की बहुत जरूरत होती है, और ये इंसान का ही खून इंसान को काम में आता है, किसी और का खून काम में नहीं आता। इस खून के लिए जहाँ एज ए होल भी यूज में होता है, प्लेटलेट्स भी यूज में होते हैं, और कई इस खून के कंपोनेंट्स हैं जो इंसान को चढ़ाए जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉज है जो हमारे वॉलंटियर महात्मा ये सेवादार दे रहे हैं खून, और ये बढ़ चढ़ कर अभी तक 8,000 से ऊपर संतनकारी मिशन ये कैंप लगा चुका है, जिसमें 13,00,000 से ऊपर ये डोनेशन हो चुकी हैं, और सभी जगह पे अराउंड द वर्ल्ड ये बड़े उत्साह से हमारे महात्मा ये ब्लड डोनेट करते हैं, बड़ी खुशी के साथ करते हैं, और ये खून देने से इनका स्वास्थ्य भी और अच्छा हो जाता है और तेजी आ जाती है और ताजगी आ जाती है इंसान को। तो यही अरदास करते हैं कि इसी प्रकार ये जोश बना रहे, इंसान इंसान के ही काम आए, इंसान इंसान के ही काम आ सकता है, ये मानव मात्र का जो मानव एकता दिवस के रूप में जो संदेश है वो यही है कि हम इंसानों की सारी विभिन्नताओं के बावजूद ये एकता बनी रहे, सब एक फैमिली के तौर पे, एक ग्लोबल फैमिली के तौर पे सारे यहाँ जीवन जिए, और सबके साथ मिलवर्तन हो, प्यार हो, एक दूसरे का सत्कार हो, शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, यही अरदास है।